बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत गला बनाना सिखाएंगे। चेपी के बगैर हम बनाएंगे गला और मगजी लगाकर बनाएंगे। वी गला हमने बनाना है इसका, और आगे हमने वी इसके मगजी लगाकर ही आगे हमने बटन टेक बनानी है। तो ये देखें, ये हमने 4 इंच तक, 4 इंच पर हमने निशान लगा लिया है चुड़ाई का, और 7 इंच पर हमने निशान लंबाई का लगाया। ये वी गला हमने बनाना है इस तरह। फिर मैं निशान लगा लूँगी इसको, निशान लगा के इस तरह इसको तो 11 इंच पे नीचे मैंने फटी जो बनानी है वो बनाऊँगी। तो 11 इंच पे इधर मैंने निशान लगा लिया है, तो इधर ये हम वी की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और आगे हमने जो बनानी है मगजी लगाकर हमने जो बटन टेप बनाना है, सामने पट्टी बनानी है, वो इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करके मैं फिर इसके जो दरमियान में से इसकी कटिंग हमने कर ली है। और इधर दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा कट लगा लूँगी। एक साइड पे मैंने कट लगा लिया है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही कट लगाऊँगी। तो ये देखें, ये हमने कट लगा लिया है। और ये देखें, ये मगजी है हमारे पास बनी पड़ी हुई है, ये देखें। तो इसके ऐसे हम लगाएंगे पूरे गले के ऊपर, हम इस तरह से मगजी लगाकर गला बनाएंगे। तो ये हम मशीन का जो एक पैर है उससे हम बनाएंगे, ये जो मशीन का दूसरा पैर है इसको हम उतार देंगे, और एक पैर वाला जो है वो हम लगा लेंगे। इसको लगा के इससे हम मगजी वाला गला बनाएंगे। चेपी के बगैर बनाना है हमने ये गला, जो कि बहुत आसान और बहुत अच्छा बन जाता है और बड़ी सफाई से बनता है ये। तो ये देखें, इस तरह हम मगजी रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो माशाल्लाह गला हमारा बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। वी गला हमने बनाना है, और आगे हमने गले के आगे भी हमने मगजी लगानी है। ये देखें, मगजी वाला गला हम बना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गला ये बन जाएगा। देख, इस तरह ऐसे हम रख के तो थोड़ा सा हम इसको इधर से पक्का करके इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, जितना हमें मतलब कि चाहिए हमने एक साइड पे लगा ली है, और इधर से हम कटिंग करके अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी इसी तरह ही। ये देखें, ऐसे इसको रख के इधर भी सिलाई लगा दूंगी, ऐसे मगजी लगा के सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा ये गला बनेगा। ये हमने चेपी के बगैर गला बनाना है। तो ये देखें, ये मगजी हमने लगा लिया। अब मैं इसको सीधा करके इस तरह इस्त्री से मैं इसको प्रेस कर लूँगी, दोनों साइडों से इसी तरह ही प्रेस कर लूँगी। और हमारी मगजी जो है बहुत सफाई से लग गई है, और बड़ा आसानी से ये गला बन जाता है और बहुत खूबसूरत बनता है ये गला। तो ये देखें, ये हमने इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है। और ये देखें, ये जो हमने इधर नोक रखी हुई है इसको मैं ऐसे अंदर करके इसके ऊपर भी इस तरह से इसको प्रेस कर लूँगी। तो ये देखें, ये नोक जो है ये इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ कर दूँगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से ऐसे इसको प्रेस कर लिया है, ताकि हम नीचे इसके जो कपड़ा लगाना है वो हमारा सही तरह से लग जाए। और ये देखें, इस तरह हम ऐसे मगजी के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। ये भी हमने एक पैर जो है मशीन का लगाया है उसी से हमने लगाना है ये वाली सिलाई, ताकि मगजी जो है अब नीचे वाला जो कपड़ा है वो हमारा सफाई से लग जाए। ये देखें, इस तरह हम सारी लगा लेंगे मगजी को, ये हम कवर कर लेंगे। ये देखें इस तरह, और नोक पे जो मैंने इस्त्री फेर ली थी ताकि हमें सिलाई लगाने में मुश्किल ना हो, ये देखें, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ ऐसे सिलाई लगाऊंगी। तो बहुत ही आसान गला है, कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बारीक सी मगजी जो है वो हम लगा रहे हैं, ये देखें इस तरह हम लगा लेंगे। और माशाल्लाह गला जो है बहुत ही खूबसूरत बन गया है हमारा, ये देखें, आप भी देखें।
और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये गला बना है। ये देखें मगजी जो है हमने लगा लिया और इस साइड पे हमने तुरपाई कर लेनी है। और ये बटन है हमारे पास, ये दो दो बटन करके हमने लगाने हैं इधर। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत आसानी से ये गला बन जाता है और बहुत खूबसूरत और बड़ी सफाई से ये बनता है। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और हज़ारों खुशियाँ दें। माशाल्लाह देखें गला बहुत ही खूबसूरत बन गया है, यकीनन आपको पसंद आएगा। देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारा ये गला बन गया। आप भी ऐसा बनाए गला जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और बड़ी आसानी से बन जाता है। अल्लाह हाफिज़।